जमात चाहरुम मजमूनिल मेराजी सबक नंबर 11 पैमाइश। इस सबक में जसामत और समाई इन इकाइयों के बारे में जो है मालूमात हासिल करेंगे। हमने इस सबक के तमीजी वीडियो में देखा था कि बाजार से जब हम दूध, पानी की बोतल, तेल, तेल के पैकेट, पेट्रोल, डीजल जब हम बाजार से खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें ये चीजें जो है दुकानदार इस तरीके के वजन में जो गिनकर नहीं देता। जैसे दुकान हमें अगर कभी हमारे घर वालों ने कहा कि जाओ बेटा 1 किलो शकर लेकर आओ, तो शकर हमें दुकानदार जो इस तरीके के वजन की मदद से जो गिनकर देगा, मगर घर वाले जब हमको कहेंगे कि बेटा 1 लीटर दूध लेकर आओ, तो दुकानदार कभी भी हमको जो इन वजन का इस्तेमाल करता हुआ दूध जो नहीं देगा, ना ही तेल देगा। तेल का अगर कभी हमने पैकेट लाया तो तेल का पैकेट हमको किलो में नहीं मिलेगा बल्कि लीटर में मिलेगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि पानी की बोतल अगर कभी हम बाजार से खरीदते हैं तो वो चीजें हमको जो है किलो में नहीं मिलती बल्कि वो चीजें जो हमको लीटर में मिलती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि लीटर में किसी भी चीज को गिनने के लिए जो है किन वजनों का या किन चीजों का जो इस्तेमाल किया जाता है। दूध वाला जब हमारे घर में आता है या हमें जब दूध देकर आता है तो हम देखेंगे उसके पास में इस तरीके जो है दूध गिनने के लिए जो नाप होते हैं। यहाँ पर जो है ये 1 लीटर का नाप है, यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी ये 1 लीटर का जो नाप है ये 1000 मिलीलीटर के जो है बराबर है। दुकानदार जो है हम दुकानदार को कहेंगे कि हमें 1 लीटर दूध दीजिए तो दुकानदार हमें वो दूध जो है किलो में नहीं देगा बल्कि दुकानदार हमें जो है दूध इस तरीके के जो है इस डब्बे की मदद से जो है इस वजन की मदद से जो है इस डब्बे का इस्तेमाल करके जो दूध जो है हमें दुकानदार गिनकर देगा। इसी तरीके से अगर कभी हम दुकानदार को कहेंगे कि हमें 1/2 लीटर जो तेल दीजिए तो दुकानदार जो 1/2 लीटर तेल देने के लिए हमें जो है इसका जो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे हम 100 मिलीलीटर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर 100, 200, 300, 400 और 500, यानी 100 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर और ये 500 मिलीलीटर, यानी 500 मिलीलीटर यहां पर हम देखेंगे 1/2 लीटर बराबर 500 मिलीलीटर, यानी ये 1/2 लीटर का जो है ये नाप है। दुकानदार इस नाप का इस्तेमाल करके हमको जो 1/2 लीटर जो है तेल हमें देगा। अगर कभी इससे छोटी चीजें हम दुकानदार से मांगेंगे, जैसा कि अगर दुकानदार को हमने कहा कि हमें जो है सर बालों को लगाने का जो तेल सिर्फ 50 मिलीलीटर चाहिए, तो दुकानदार जो है इन बड़े नाप का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दुकानदार जो इन छोटे नाप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 10, 20, 30, 40, 50, यानी 50 मिलीलीटर का जो ये नाप है। इसी तरीके से अगर हम दुकानदार को आगे हमें 100 मिलीलीटर का जो है खोपरे का तेल जो 100 मिलीलीटर दीजिए तो दुकानदार जो इस नाप का जो इस्तेमाल करके हमको जो खोपरे का तेल देगा। अगर यहाँ पर चलिए हम एक मिसाल लेते हैं कि शिफा की अम्मी ने शिफा को कहा कि जाओ बेटा बाजार से जो है 2 लीटर बाजार से जो है जाकर 1 लीटर जो दूध लेकर आओ। शिफा बाजार गई, दुकानदार ने जो है शिफा को 1 लीटर दूध जो है गिनने के लिए नाप का इस्तेमाल किया। शिफा बाजार गई, दुकानदार को कहा कि मुझे 1 लीटर जो दूध चाहिए, दुकानदार ने ये नाप निकाला और नाप निकालने के बाद में जो है दूध को इस तरीके से जो है शिफा को गिनकर जो है दिया। यानी शिफा ने जब 1 लीटर दूध बाजार से लिया, दुकान से खरीदा, तो दुकानदार ने जो 1 लीटर के नाप का जो इस्तेमाल करके जो है दुकानदार ने शिफा को जो है 1 लीटर जो है दूध दिया। इसी तरीके से शिफा ने जब ये दूध जो है बाजार से घर पर लेकर आई और शिफा की अम्मी ने जो है शिफा को कहा कि बेटा इस दूध को जो 2 हिस्सों में बराबर तुम जो तकसीम कर लो, तो शिफा जो है 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए ये 500 मिलीलीटर का जो नाप लेंगी और इस 500 मिलीलीटर को जो पूरा उसके निशान तक जो है भर देंगी। यानी ये 500 लीटर और ये 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और ये 500 मिलीलीटर, यानी कितना हो गया 1 लीटर। यानी यहाँ पर 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से 1/2 लीटर जो है ये 500 मिलीलीटर के बराबर होगा।